तो मित्रों नमस्कार। तो आइए आज हम लोग फिर से जो है कुछ पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिना पढ़े बिना पढ़ाई किए तो कुछ होने वाला नहीं। और अब सबको मालूम है कि नौकरियां धीरे धीरे श्रिंक हो रही, कम हो रही हैं, तो कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं, बड़े ऐसे दयनीय हालात उत्पन्न हो रहे हैं जहाँ के अच्छे पढ़े लिखे युवा, काफ़ी पढ़े लिखे युवा 7,000-8,000 की नौकरी के लिए, आउटसोर्सिंग की नौकरी के लिए, संविदा की नौकरियों के लिए सिफारिश करते रहते हैं। कई बार हम लोगों के पास भी सिफारिश आती है, उस समय बहुत दुख होता है कि देखिए एक पढ़ी लिखी पीढ़ी, इतनी बड़ी जनसंख्या, जो लोग जिनको परमानेंट जॉब चाहिए, जिनको जो काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, आज आउटसोर्सिंग या छोटी छोटी नौकरियों के लिए परेशान है, क्योंकि घर के हालात ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करना भी मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से आए हुए हैं, जिनको प्रॉपर हर महीने का खर्चा मुश्किल से मिल पाता है। एक मित्र ऐसा ही था, उसके जज्बे को सलाम, कि उसने कहा कि वो नई बुक्स भी मतलब कि परचेज नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, जो है मतलब कि अपडेटेड बुक्स भी नहीं ले पा रहा है। अगले महीने के कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे खर्चे को मेंटेन करेंगे, कैसे रह पाएंगे शहर में, इलाहाबाद या लखनऊ में, वो भी नहीं हो पा रहा। ऐसे भी फोन आते हैं हमारे पास, बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देख करके। लेकिन उनके जज्बे को, वो कहते हैं कि हमें कुछ करना है, चाहे जैसे भी करना है, आरओ का एग्जाम निकाल के ही रहना, ये मेरा ड्रीम है, ऐसा ही बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनकर कि कम से कम ऐसे भी लोग, ऐसे भी स्टूडेंट्स, ऐसे भी मित्र हमारे मौजूद हैं कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सपने को पूरा करने में हमारी जो फ्री शिक्षा की मुहिम है, ये मैं अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर पाऊंगा तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होगा कि हम कम से कम कुछ तो कर पाए उन लोगों के लिए। पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, नौकरी भी आपको मिलनी है, हम एक लिटिल बिट, एक लेस मात्र का सहारा अगर आप लोगों के लिए बन पाए, आपकी तैयारी में थोड़ा सा योग कर पाए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो मित्रों जैसे हम बार बार कहते रहे हैं, आरओ के एग्जाम के लिए प्रीलिम्स का बहुत महत्व है, आप लोग अभी ज़्यादा फोकस उसी तरफ रखिएगा। लेकिन डिमांड आती है तो मैं अभी जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। दो कल मैंने सरकारी पत्र कराया, शासकीय पत्र और जो है अर्ध सरकारी पत्र कराया था और परिपत्र कराया, दो चीज़ें कराई थी। तो हमने सोचा आज अर्ध सरकारी पत्र भी करा दें। क्या है ये? अर्ध सरकारी पत्र। अगर ये भी करा देंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग जो है ये नहीं रहेगा कि एक प्रशासनिक शब्दावलियाँ भी करा दी कि मेंस का भी हमारा कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत इसी भी देखते रहिएगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसका हम जो है टेलीग्राम पर लिंक दे रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि सचिवालय से जारी हुआ है पत्र, आप उसके नाम को मत गौर कीजिएगा, उसके मैटर पे मत जाइएगा, क्योंकि वो कई बार पर्सनल मैटर भी होते हैं, तो आप उस पर मत जाइएगा। केवल आप पत्र का प्रारूप देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस तरीके से लिखे जाते हैं। आगे भी जब मेंस का टाइम आएगा तो उस टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया हम पत्र देंगे, और भी अच्छे प्रारूप में देंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। कल देखा था सरकारी पत्र और परिपत्र, आज हम देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। मित्रों आप अच्छे से जान लीजिए, कहीं अर्ध सरकारी पत्र ऊपर लिखा नहीं जाएगा कि ये अर्ध सरकारी पत्र है, मतलब कि नाम नहीं लिखा जाएगा जब अर्ध सरकारी पत्र लिखे, ये अर्ध सरकारी पत्र ऊपर हेडिंग डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ये अर्ध सरकारी पत्र होता क्या चीज है? अर्ध सरकारी पत्र होता है, हम कई बार सरकारी कामकाज में निजी राय लेते हैं, यानी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत पत्र लिखता है फॉर द गवर्नमेंट पर्पज, यानी सरकारी काम के, यानी गवर्नमेंट फंक्शनिंग सब को लेकर के, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, गवर्नमेंट की जो कार्य प्रणाली है, जो काम करते हैं हम, उस सरकारी कामकाज के लिए, कहने का मतलब यह है सरकारी कामकाज के लिए दो अधिकारियों के मध्य, या कई बार एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को, या कई बार एक छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को, कई बार एक मंत्री दूसरे मंत्री को लिखता है पत्र, जो है वो अर्ध सरकारी, यानी सरकारी कामकाज के लिए निजी राय लेना, थोड़ी सलाह लेना, सलाह देना, या किसी काम को एक्सपेडाइट करने के लिए, तेज करने के लिए उसको रिमाइंड कराना, यानी जैसे कोई पत्र हम कई बार भेजे काम नहीं हो रहा, हम उसका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हाँ, एक बड़ा अधिकारी दूसरे बड़े अधिकारी का किसी सरकारी काम के लिए व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि ये काम हो नहीं रहा, थोड़ा आप देख लीजिए इस टाइप से, या कोई ऐसा सरकारी मैटर है जो वो समझना चाहता है, वो दूसरे अधिकारी से समझना चाहता है, यानी सरकारी कामकाज के लिए अपना एक व्यक्तिगत भाषा में, एक सद्भावी भाषा में, एक सद्भावपूर्ण भाषा में, एक सरकारी कामकाज के लिए कोई सलाह लेना, मांगना, या कोई किसी भी काम की जल्दी करने के लिए कहना, इस काम के लिए इस्तेमाल होता है अर्ध सरकारी पत्र।
अर्ध सरकारी पत्र की भाषा थोड़ी व्यक्तिगत यूम जो है, ये कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी विनम्र, ज्यादा विनम्र होती है और व्यक्तिगत होती है, लेकिन काम सरकारी होता है। लिखते कैसे हैं अर्ध सरकारी पत्र वो देख लेते हैं। सरकारी पत्र में जहां जो भेजता है उसका नाम सबसे ऊपर लिखा होता है, आवासा। हम नाम की वहां पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो किसी का नाम मत लिखिएगा, इसलिए मैं आवासा लिख रहा हूं। यहां श्री नहीं लगेगा, यहां श्री नहीं लगाना है, भेजने वाले का नाम है ये, प्रेषक का। आवासा विशेष सचिव, बीच में ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो, बहुत अच्छा बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे खींच दीजिएगा ऐसे, एक मछली टाइप दो साइड में और एक ऊपर तीर धनुष रहता है, नहीं तो कुछ नहीं, गोला बना के ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा एकदम बीचों बीच में, यानी जो डेमी ऑफिशियल लेटर, इस अर्ध सरकारी पत्र को क्या बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर में एक उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो रहता है, उसके आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश शासन, फिर उत्तर प्रदेश शासन लिखने के ठीक नीचे लिखेंगे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 4 लिखा हुआ है, यानी उस अनुभाग का नाम जहां से पत्र जारी हुआ है। ये चिकित्सा भी हो सकता है, लोक निर्माण भी हो सकता है, गृह विभाग अनुभाग कुछ भी हो सकता है, कृषि अनुभाग 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ग्राम विकास हो सकता है, पंचायती राज हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, आप यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लिख लीजिएगा। लास्ट में हम 4-5 पत्र दे देंगे टेलीग्राम पर, जब एग्जाम आएगा उन्हीं में से एक रट के वही लिख दीजिएगा जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लखनऊ और 2 यहाँ पर बिंदी लगाएंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर 2 बिंदी लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डेट लिखेंगे 24 सितंबर 2022, कुछ भी डेट आप अपनी मर्जी से, ये 24 सितंबर का ही मैंने आज की डेट लिख दिया। अब पत्र संख्या यहाँ लिखेंगे आप, पत्र यहाँ लिखेंगे अर्ध, सबसे ऊपर अर्ध लिखेंगे, अर्ध सरकारी, ऐसे अर्ध बिंदी लिख दीजिए, अर्ध सरकारी पत्र संख्या, पत्र संख्या, उसके बाद आप यहाँ लिखिए 15 जो है जी चिकित्सा शिक्षा का जी सी 2022, कुछ भी लिख दीजिएगा ऐसे, इसको लिख दीजिएगा जी संभाग का नहीं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आदरणीय महोदय या प्रिय महोदय क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसी के ठीक नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आदरणीय महोदय लिखेंगे, प्रिय महोदय लिखेंगे, ये 2 शब्द ज्यादा लिखे जाते हैं। और अगर जो है मान लीजिए किसी महिला अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या महिला माननीय मंत्री को लिख रहे हैं तो आदरणीय महोदया लिखेंगे। हमारे एक मंत्री जी लिखते थे स्नेही बहन, हालांकि वो आप एग्जाम के पर्पज से उचित कम होगा, लेकिन वो लिखते थे स्नेही बहन लिखते थे, लेडीज के लिए कहीं भेजते थे पत्र को। आदरणीय महोदय या प्रिय महोदय ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर महोदया रहे तो आदरणीय महोदया लिख दीजिएगा, आदरणीय महोदय। फिर यहाँ से स्टार्ट कर देखिए टेलीग्राम पर जो पत्र है उसमें आप देख लीजिएगा, फिर आप लिखेंगे विषय, जिस विषय पर आप बात करना चाहते हैं, कि मान लीजिए कोई विषय चिकित्सा शिक्षा का है कि ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में, या लिख दीजिए ग्रेटर नोएडा में सरकारी संस्थान सरकारी चिकित्सालय में हो रही अनियमितताओं के संबंध में हमारे पत्र संख्या इतने का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वहाँ जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने की आख्या उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था, जो कि महोदय जो कि अब तक अप्राप्त है, महोदय नहीं जो कि अब तक अप्राप्त है। फिर दूसरी लाइन आएगी, जैसे सरकारी पत्र में आता था इस संबंध में ये मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, यहाँ लिख के आएगा इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण काफी गंभीर है, आप इस अतः जो है आप इस प्रकरण की जांच कराकर आख्या तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, और प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी लास्ट में लिख सकते हैं। फिर लास्ट में लिखेंगे सादर, या आप सादर ज्यादातर यही होता है सादर, यहाँ बीचों बीच में और थोड़ा सा आगे जाके भौदीय, और जो लिखने वाले का नाम होता है, लिखने वाले का नाम आवासा था, आवास भौदीय आवासा, यहाँ पे वो हस्ताक्षर करिए। लेकिन यहाँ पदनाम नहीं लिखा जा रहा, सरकारी में लिखा जाता था विशेष सचिव प्रमुख सचिव, भेजने वाले का पदनाम तो यहाँ आ गया विशेष सचिव, अब फिर से पदनाम नहीं लिखा जाएगा डेमी ऑफिशियल लेटर में, दोबारा यहाँ पदनाम भेजने वाले का नहीं लिखा जाएगा, सादर या आपका सद्भावी, ये सारी चीजें लिखा जाता है, ज्यादातर सादर लिखा जाता है, भौदीय हस्ताक्षर और उसके नीचे नाम भेजने वाले का, लेकिन पदनाम नहीं लिखा जाएगा। अब जिसको भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक इसी के नीचे सबसे नीचे श्री का खगा, यानी जिसको हम भेज रहे हैं क्या है, ये प्रमुख सचिव, ये कोई भी सचिव हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव,
विशेष सचिव कुछ भी हो सकते हैं, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन, मैं एक एग्जांपल के लिए दिया हूँ। तो बीच का जो कंटेंट है, जो बीच का मैटर है, वो चीज हम आपको पत्र में दे दिए। मित्रों मैं आगे भी कह रहा हूँ कि अब दो कार्यालय ज्ञापन कार्यालय आदेश अधिसूचना बचा है, हम वो भी करा देंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए लगातार आप चलते रहिए, लगातार आप करंट अफेयर्स में चलते रहिए बिना सोचे हुए कि एग्जाम कब होगा, वो आपके हाथ में बिल्कुल है नहीं। एग्जाम होगा ये निश्चित है, एग्जाम की वैकेंसी आएगी भी दिसंबर के लास्ट तक, और एग्जाम के फरवरी मार्च के आसपास होना ही है, फरवरी मार्च या अप्रैल फर्स्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप लोग लगे रहिए, जो मेरी हेल्प हो सकती है, ये मेरी फ्री शिक्षा की मुहिम आप लोगों की हेल्प करने की ये जारी रहेगी, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता रहूँगा। आप लोग अपना काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।